आज का मोबाइल गेमिंग वीडियो देख के आप सब खुश होने वाले हो, क्योंकि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, टोटल 9 अपडेट्स लेके आ चुके हैं, जिसे देखने के बाद कुछ बोलो या फिर ना बोलो ये जरूर बोलने लगोगे मजा आया। और इस जैसे मजे को अपने दोस्तों के साथ ना शेयर करना तो सरासर नाइंसाफी हो जाएगा। तो जरूर वीडियो को शेयर कर देना कुछ भी जानने से पहले, क्योंकि इस वीडियो से आपको सिल्क रोड ओरिजिन मोबाइल, सिविलाइजेशन मोबाइल, वर्ल्ड ओरिजिन का CBD, टेरिसलैंड का प्री डाउनलोड शुरू हो चुका है, एक एनिमे वेलोरेंट मोबाइल गेम भी शायद बहुत ही जल्दी खेल पाएंगे, NFS मोबाइल गेम को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट से, बीच में गेमिंग प्रोडक्ट भी आपको रिकमेंड करने वाले हैं, नारका ब्लेड पॉइंट मोबाइल गेम जो है लॉन्च हो चुका है, क्या हम सब डाउनलोड कर पाएंगे, उसके अलावा Fortnite मोबाइल फिर से रिटर्न कर चुका है, ऐप स्टोर में Werewolf हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को लॉन्च कर दिया गया है, और इस वीडियो के आखिर में आपको जानने को मिलेगा और एक पैलवर्ल्ड मोबाइल गेम के बारे में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो इन सब अपडेट्स के बारे में अच्छे से जान पाओगे, और यार स्किप बिल्कुल मत करना, लेकिन पसंद आए कहीं भी वीडियो तो फटाफट से लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसी तरह से डेली गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। तो करना, तो सबसे पहले वीडियो को हम शुरू करते हैं नए नए आए हुए गेम से, जो शायद आपको पसंद आ सकता है, बता तो हम रहे हैं डाउनलोड करना या फिर नहीं ये आपके ऊपर है। तो पहला गेम आ रहा है सिल्क रोड ओरिजिन मोबाइल, जो एक फैंटेसी थीम MMORPG कैटेगरी का मोबाइल गेम है, जिसे अभी फिलहाल सी रीजन यानी साउथ ईस्ट एशिया में रिलीज कर दिया गया है अर्ली एक्सेस पे, जिसे पब्लिश किए हैं गोसू ऑनलाइन कॉर्पोरेशन। ज्यादा तो इसके बारे में हमने रिसर्च नहीं किया, शायद इंडिया में भी ये गेम रिलीज हो चुका होगा, तो अगर आप सर्च करते हो सर्च पे आ जाता है तो बहुत ही आसानी से सिल्क रोड ओरिजिन मोबाइल को आप खेल पाओगे अपने एंड्रॉइड डिवाइस में या फिर iOS डिवाइस में भी। और इसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर देख पा रहे हो, इससे भी देख के थोड़ा बहुत इस गेम के बारे में आइडिया लग जाएगा। मुझे पता है काफी सारे दोस्तों को इस टाइप का गेम खेलना पसंद तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिस टाइप का गेम खेलने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो जरूर इस गेम को डाउनलोड करके खेलना पसंद करेंगे। इसमें आप अलग अलग हीरोज को यूज कर पाओगे, उन्हें आप अपग्रेड भी कर सकते हो, और हर हीरो का एक पर्टिकुलर क्लास है अलग अलग मूव सेट के साथ। हालांकि गेम के ग्राफिक्स से उतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, डिसेंट है, तो काफी सारे डिवाइस में ये गेम आराम से चल जाएगा। और हाँ, PC में भी इस गेम को रिलीज कर दिया गया है बीटा एक्सेस में ही, तो अगर आपके पास PC है इस गेम को ट्राई करना चाहते हो तो भी आप इस गेम को डाउनलोड करके खेल पाओगे। हमारा दूसरा गेम है सिविलाइजेशन IP के ऊपर, एक नया सिविलाइजेशन गेम जो है हमारे मोबाइल डिवाइस में रिलीज हो सकता है। हो सकता है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो सामने नहीं आया है, लेकिन जरूर इस गेम को बना रहे हैं 2K गेम्स, जिसका ग्लोबल टाइटल है सिविलाइजेशन मोबाइल वर्ल्ड ओरिजिन। और 2K बना रहे हैं मतलब गेम शायद अच्छा निकल के आ सकता है, और 2K गेम्स के बारे में अच्छे से आपको पता होगा, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है WWE के गेम्स बनाने में। तो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि इसका चाइना में क्लोज बीटा टेस्ट शुरू होने जा रहा है जुलाई 16 से, यानी नेक्स्ट मंथ से इस गेम को चाइना यूजर के प्लेयर्स जो है खेल पाएंगे, लेकिन इसके ग्लोबल वर्जन का कब अनाउंसमेंट होगा इसके बारे में अपडेट आना तो बाकी है। और जो आप ऑन स्क्रीन ट्रेलर देख पा रहे हो, इस गेम का ट्रेलर नहीं है, सिर्फ हमें कुछ इमेजेस मिले हैं जिसे देख के थोड़ा बहुत इस गेम के बारे में आप आइडिया लगा सकते हो। तो वीडियो का तीसरा अपडेट आ रहा है टेरिसलैंड मोबाइल गेम से, तो फाइनली ये गेम रिलीज होने जा रहा है कुछ दिनों के अंदर, जिसका प्री डाउनलोड जो है आज से शुरू हो जाएगा, या फिर जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे शुरू भी हो चुका होगा, जिसको लेके उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे ट्वीट भी आ चुका है, एडवेंचरस द एक्साइटिंग मोमेंट इज ऑलमोस्ट हियर, टेरिसलैंड विल ऑफिशियली गो लाइव वर्ल्ड वाइड ऑन June 21st विद प्री डाउनलोड ऑफिशियली बिगिंग एट 10 AM UTC+8 ऑन June 20th, जो आज का तारीख है। स्टेट एंड गेट रेडी टू डाइव इन टू द मैजिकल वर्ल्ड, तो रेडी हो जाओ इस गेम को डाउनलोड करके, कल से इस गेम को आप खेल पाओगे। एक्चुअली इंडियन टाइम तो आपको नहीं बता सकते कि कब से इसका सर्वर खुलेगा, गेम को डाउनलोड करके इंतजार करते रहो, उसका अपडेट तो आपको गेम के अंदर ही मिल जाएगा, लेकिन इस गेम को हम इंडिया से नहीं डाउनलोड कर सकते। जब भी आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, ऑब्वियसली गूगल प्ले स्टोर पे डिटेक्ट तो नहीं होगा, तो उसके लिए हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा। 3-4 ऑप्शन है, पहले तो आप अलग जगह से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर VPN का जुगाड़ करके आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड गेम प्ले वीडियो बनाएं, क्योंकि जब इसका बीटा रिलीज हुआ था तब इस गेम को हम खेले थे, और तब हम बताए थे कि गेम मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो ग्लोबल लॉन्च के बाद क्या कुछ चेंजेस हुए हैं अगर हम गेम को खेलते हैं तो आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो शायद कल तक आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो के नीचे कॉमेंट करके या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे तो बताना होगा कि आपको वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, समझ गया।
हमारा नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और आप सबको पसंद आने वाला है, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मुझे तो ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है और इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हो चुका हूँ। इसे देखा जाए तो वैलोरेंट मोबाइल भी बोल सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एनिमे का वैलोरेंट मोबाइल। जेंसेट इंपैक्ट प्लस CS:GO प्लस वैलोरेंट, तीनों का मिक्सचर बोल सकते हो, जिसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर भी देख पा रहे हो। ट्रेलर के साथ साथ गेम प्ले फुटेजेस भी इन्होंने शेयर किए हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इस गेम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जब इस गेम का अनाउंसमेंट हुआ था, इसका टाइटल था कैलिब्यू, लेकिन अभी इसका बीटा जो है रिलीज होने वाला है, इसका टाइटल चेंज करके स्ट्रीनोवा रखा गया है, जो एक 3D एनिमे गन थीम कॉम्पिटिटिव टैक्टिकल थर्ड पर्सन हीरो शूटर गेम है, जिसमें आपको सर्च डिस्ट्रॉय मोड भी खेलने को मिलेगा, जिसे एक चाइनीज स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं, जिनका नाम है आई ड्रीम स्काई स्टूडियो। और ऑब्वियसली चाइना का नाम सुनते आपको पता चल चुका होगा कि फ्यूचर में शायद ये गेम इंडिया में नहीं आएगा, लेकिन यार उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या पता दूसरे पब्लिशर इस गेम को इंडिया में पब्लिश कर दे, जो एक फ्री टू प्ले गेम होने वाला है PC के लिए भी और साथ साथ एंड्रॉइड और iOS के लिए भी। तो कुछ हद तक वैलोरेंट मोबाइल भी बोल सकते हो, लेकिन एनिमे स्टाइल वाला। तो देखते हैं आगे चल के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स इस गेम के बारे में निकल के आने वाला है, तो अगर आपको नहीं करना है ऑब्वियसली क्या करना है आपको पता है। ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट अपडेट है नीड फॉर स्पीड मोबाइल गेम को लेके। ज्यादा कुछ तो नहीं है, काफी सारे अपडेट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इस गेम के बारे में, लेकिन अभी फिलहाल एक नया ट्रेलर जो है उनकी तरफ से रिलीज हो चुका है, जिसमें हमें दिखाया गया है काफी सारे गेम के लोकेशन, हॉट कार्स और गेम के ग्राफिक्स, तो क्या ही बताएं कितने कमाल के लग रहे हैं। जो आपको सब स्क्रीन में तो देख ही पा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है ये ट्रेलर, यानी ये गेम जिसके लिए हम सब तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत सारे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी हमें मिलने वाला है, कुछ फ्री होंगे कुछ पेड होंगे, और पेड कस्टमाइजेशन में तो यार भरपूर ऑप्शन रहेंगे, तो हमारा पॉकेट खाली होने वाला है। अभी तक इसके ग्लोबल वर्जन का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, तो देखते हैं आगे चल के ग्लोबल वर्जन का अनाउंसमेंट कुछ होता है या फिर नहीं। जब भी होगा उसका अपडेट आपको इसी तरह से आपका भाई देता रहेगा। तो समय आ चुका है वीडियो के प्रोडक्ट के ब्रेक का, तो आज हमारे पास है आर्टिक के तरफ से फॉक्स प्रीव्यू ब्लूटूथ रिचार्जेबल माउस, जो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ट्रांसपेरेंट है, वायरलेस भी है। तो अगर आप एक माउस परचेज करने की सोच रहे हो तो ये आपको जरूर रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसे आप ब्लूटूथ के द्वारा भी रिचार्ज कर सकते हो, साथ में USB रिसीवर भी है, LED बैटरी, मैजिक स्लिम का भी फीचर्स आपको मिल जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कौन कौन से डिवाइसों में ये चलने वाला है, तो आपको बता दो PC यूज करते हो, मैक यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, एप्पल यूज करते हो या फिर iPad भी, सभी में जो है आर्टिक का ट्रांसपेरेंट वायरलेस माउस जो है सपोर्ट कर लेता है। अभी अगर आप सोच रहे हो कि इसका प्राइस लगभग 3,000 से 4,000 के आसपास होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज्यादा बजट के अंदर आता है। अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं Amazon पे प्राइस है 699 रुपीज, जी हाँ बहुत ही सस्ता है, ऑफर्स भी चल रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देख रहे हो तो जरूर से जल्दी से जल्दी परचेज कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उसको साइड में रख के हम अपडेट की तरफ आ जाते हैं। नारका ब्लेड पॉइंट मोबाइल का जो डाउनलोड है वो शुरू हो चुका है। चल झूठा, नहीं यार हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सीलो जगह का ये ट्वीट आप पढ़ लो। ऑब्वियसली ये जो बीटा टेस्ट है चाइना में रिलीज हुआ है, जिसका डाउनलोड साइज लगभग आप देख पा रहे हो 2 GB के आसपास है। लेकिन आपको हम सबको तो पता ही है, इन गेम अलग से हमें बहुत ज्यादा डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें हमारा चड्डी बनियान सब कुछ खुलने वाला है। अबे साले, क्योंकि यार गेम इतना बड़ा होने जा रहा है, गेम के ग्राफिक्स, एनिमेशन, स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डिजाइन, जो आप स्क्रीन में ट्रेलर देख पा रहे हो ऑब्वियसली ये मोबाइल गेम का ट्रेलर नहीं है, PC का है। लेकिन मोबाइल में भी जब आप इस गेम को खेलोगे ना, तो एक ही आवाज आपके मन से आएगा, मजा आया। और इस मजे को तो आप खुद नहीं लोगे, अपने दोस्तों के साथ भी रिकमेंड करोगे। लेकिन अभी रिकमेंड मत करना, क्योंकि इसका ग्लोबल वर्जन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी इसका चाइना में ओपन बीटा रिलीज हुआ है, उनको खेलने दो। ऑब्वियसली गेम प्ले वगैरह तो हमें 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगा, और इसके एंड होने के बाद मुझे लगता है इसका ग्लोबल वर्जन का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिंगर क्रॉस यार जल्द से जल्द इस गेम का भी ग्लोबल लॉन्च हो जाए, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको याद है कुछ अपडेट वीडियो पहले आपको बताए थे कि फॉर्टनाइट जो है रिटर्न करने वाला है, हमारे प्ले स्टोर पे तो नहीं लेकिन ऐप स्टोर पे जरूर आने वाला था, जो आ भी चुका है और आने के साथ साथ पंगा भी होने लगा है। सीलो जगह का ये ट्वीट आप पढ़ लो, पंगे के बारे में आपको पता चल जाएगा। और इस पंगे के मुताबिक शायद 50 मिलियन डेली पेलांटिस लगने वाला है, क्योंकि इससे पहले यूरोपियन कमीशन ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था एप्पल के ऊपर मार्च के आसपास शायद, और अभी उनको लग रहा है कि अब चार्ज कर सकते हैं कंपनी के ऊपर। तो ये तो
उनके लिए धक्का हुआ। तो देखते हैं आगे चल के इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, क्या 50 मिलियन का डेली प्लांटिस उनको देना पड़ेगा यानी एप्पल को, ये तो हमें आगे जाके ही पता चल जाएगा। तो अगर आपने खेला है वेयरवुल्फ हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट गेम को अपने पीसी में या फिर शायद प्लेस्टेशन में भी, तो अभी फिलहाल इस गेम को आप अपने iOS डिवाइस में भी खेल पाओगे। जी हाँ, ये जो गेम है रिलीज हो चुका है और ऑब्वियसली इसे डाउनलोड करने के लिए, खेलने के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्राइस देना पड़ेगा। अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं ऐप स्टोर पे इस गेम का प्राइस रखा गया है $9.99। अब इंडियन रुपीज में कितना होता है ऑब्वियसली जाके सर्च करो ऐप स्टोर पे तो आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। ये एक RPG कैटेगरी का गेम है जिसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर भी देख रहे हो, जो गेम अवार्ड भी जीत चुका है, तो काफी ज्यादा फेमस गेम है। तो अगर आप परचेस करके गेम खेलना पसंद करते हो तो वेयरवुल्फ हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट गेम को भी आप जरूर ट्राई दे सकते हो। और इस वीडियो का हमारा आखिरी अपडेट है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा, एक नया पैलवर्ल्ड मोबाइल गेम। ऑफिशियल गेम तो नहीं है, काफी सारे दोस्तों को शायद इस गेम के बारे में पता होगा। जिस गेम की बात कर रहे हैं उसका नाम है ड्रैकोनिया सागा। शुगर फन गेम्स की तरफ से इस गेम को रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ भी अपडेट हमें नहीं मिला, सिर्फ ट्रेलर को छोड़ के। लेकिन हमने काफी ज्यादा रिसर्च किया, वो भी एक मिनट तक, और देखो एक सेकंड के अंदर हमें टैप टैप में इसके बारे में पता चल चुका है कि नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई मंथ के 17 तारीख को इसका ग्लोबल लॉन्च होने जा रहा है, जिसका प्री रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी हमारे प्ले स्टोर पे शुरू हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम इंडिया से इस गेम को प्री रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस गेम को इंडिया में रिलीज नहीं करने वाले हैं? इसका आंसर अभी तो आपको बता नहीं सकते हैं, जब इसका रिलीज डेट क्लोज आएगा तो हम सबको अच्छे से पता चल जाएगा। और गेम के बारे में आपको ज्यादा डिटेल नहीं देंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इस गेम को कैसे खेलना है। तो देखते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि इस गेम को इंडिया में भी रिलीज कर दें। अगर रिलीज नहीं भी करेंगे तो हम सबको पता है क्या करना है, समझ रहे हो? तो इसी के साथ आज की इस लंबे चौड़े गेमिंग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसी तरह से और भी वीडियोस देखना चाहते हो, वो भी डेली बेसिस पे, तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते हैं। और वीडियो कहीं भी पसंद आ गया होगा तो फटाफट से लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएशन फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।